नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से द रिलेशन 3t इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड। सवाल है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो क्या होएगा, हमें उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताना है जब आपकी वेलोसिटी जीरो हो। अपनी जो इक्वेशन है वो अपने को दिए 3t इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 6 और हमें बताना है कि फाइंड वेलोसिटी, नहीं फाइंड x व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। नोटिस करना है इसमें टाइम की वैल्यू नहीं पता, वेलोसिटी कब जीरो होएगी ये बात नहीं दी हुई, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो ये बनेगा आपका रूट 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6, इसको दे ले जाएं दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू, ये आपका इसमें से 3 कॉमन ले लें हम, तो 3t माइनस 2 इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, एक 3 हम कैंसिल कर सकते हैं तो x की वैल्यू आ गई 3t माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसके अगर वो इस रिलेशन से मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx बाय dt, यानी कि आ जाएगा 3, इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 2t माइनस 2, अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करेंगे वैल्यू 1 आएगी। सो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 6t माइनस 2। नाउ हमें वो टाइम चाहिए जब इस वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो, विच इम्प्लाइज v इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 6t माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज t की वैल्यू अपनी 2 सेकेंड हो गई, 2 सेकेंड अपनी वैल्यू आ गई। नाउ इस रिलेशन को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ये जो अपना रिजल्ट है x का, इसमें अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो x विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच विल बी 0, यानी कि जब ये अपनी डिजायर्ड कंडीशन है कि वेलोसिटी 0 हो उस टाइम पे अपना डिस्प्लेसमेंट 0 होएगा, एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी 0 वुड बी द राइट आंसर।